नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोलकाता से लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाकर बोधगया में वेश्याव्रति कराई जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने संचालक के साथ 14 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट में फंसी दो लड़कियों को भी पुलिस ने रेस्क्यू किया है। गया पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों के पास से कुल 16 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। संचालक के मोबाइल में करीब 1,500 ग्राहकों के नंबर सेव हैं। इस लिस्ट में गया के कई हाई प्रोफाइल नाम होने का दावा भी पुलिस ने किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि यह सेक्स रैकेट बोधगया थाना में बने महिमा होटल के बगल में बने बेनामी गेस्ट हाउस में चलाया जा रहा था। इस बेनामी गेस्ट हाउस का संचालन भी महिला होटल का संचालक ही कर रहा था। इस सेक्स रैकेट से दो लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं। छापेमारी के वक्त यहां 14 ग्राहक थे और संचालक भी मौके पर था। इन 15 को गिरफ्तार कर लिया गया है। संचालक के मोबाइल में सेव ग्राहकों के नंबरों की जांच की जा रही है। SSP ने यह भी बताया कि सेक्स रैकेट से जुड़े हुए ग्राहक में कई सफेदपोश और गया शहर के चिकित्सक भी शामिल हैं। इनकी भी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोधगया के महिला होटल के बगल वाले गेस्ट हाउस के अलग अलग कमरों से ग्राहकों को पकड़ा गया है। पकड़े गए ग्राहक गया और आसपास के जिलों के हैं। सबकी जांच की जा रही है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।